हेलो दोस्तों, मैं आशा सिंह। माय लिटिल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अडेनियम सीड को कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करूंगी। ये देखिए, अडेनियम का सीड है। इस तरह से ये फली आती है, आप देख रहे हैं, ये दो हिस्से में आती है, पेयर में आती है। तो अब होता क्या है कि ये कल तक ये बिल्कुल सही थी, आज ये अपने से क्रैक हो गई। और क्रैक होने के बाद इसके में जो सीड होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाती है, तो इसके अंदर जो सीड होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, और उन सीड के आसपास हेयर होते हैं बहुत सारे जैसे। और फिर वो होता क्या है कि इतने हल्के होने की वजह से ये क्रैक हुई और यहाँ से निकल के हवा द्वारा इधर उधर चले जाते हैं। और वैसे भी किसी भी नेचर का तरीका है कि किसी भी प्लांट के सीड मैच्योर हो जाएंगे या पक जाते हैं, तो वो या तो हवा द्वारा इधर उधर जाते हैं, या कोई गिलहरी ले जाती है, या कोई चिड़िया ले जाती है, इवन ह्यूमन बीइंग भी इधर से उधर। जैसे हम लोग आम की गुठली कभी इधर फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं, तो ये नेचर का तरीका होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पर्सल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ है इधर उधर उग सकें। तो अब ये इसको अभी ये उड़े ना, इसके लिए हमें कैसे इसको सेफ रखना है, तो इसके एक तरीका तो ये है कि आप कोई पॉलीथीन आप ले लीजिए और उसको अच्छे से ऐसे ये पहना के ऐसे पहना के गांठ बांध दीजिए हल्के से। तो ये ऐसे आप गांठ बांध देंगे तो इससे क्या होगा कि ये अभी क्रैक होगी, क्योंकि इधर वाली क्रैक हो गई है। अब इधर वाली जब क्रैक होगी तो जब सीड बहोंगे तो ये उड़ेंगे नहीं और इसी में ही बने रहेंगे, क्योंकि अब दो तीन दिन के अंदर इसको हमें निकालना रहेगा। और एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हम बताते हैं कि क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि कब ये क्रैक हुई और कब, क्योंकि कल तक ये बंद थी बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये है कि कोई हम कॉटन का धागा, मेरे पास ये पतला धागा है, आप मोटा सूत हो या वो ले सकते हैं और उसको बांधिए। इसको बांध देंगे इस तरह और इसको ऐसे लपेटते, बहुत टाइट नहीं लपेटना है, हल्के से लपेटना है ताकि ये थोड़ी सी क्रैक हो तो इसको स्पेस मिले। और इसको इस तरह से लपेट के ये ऐसे लपेट देंगे, क्योंकि ये भी दूसरी भी ये क्रैक होने वाली है आजकल में, ये क्रैक हो जाएगी। इस तरह से आपने लपेट दिया तो अब ये इसी में सीड इसमें अच्छे से बने रहेंगे, उड़ेंगे नहीं। अब इसमें हल्के से गांठ बांध दे रहे हो, अब ये अब आराम से ये सीड इसमें बने रहेंगे और खराब भी नहीं होंगे। और जब हमें इसको दो तीन दिन में उतारना रहेगा तब इसको उतार लेंगे। और एक चीज, जब इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे तब इसको 20 दिन के अंदर हमें इसको कैसे ग्रो करना है ये ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो कम हो जाता है। और जैसे कभी कभी हम लोग मार्केट से जो सीड्स खरीदते हैं तो वो अक्सर पुराने होते हैं, तो कभी कभी उसमें जर्मिनेशन रेट अच्छा नहीं आता है। मैंने खुद ही परचेज किए थे तो उसमें मेरे तो एक भी नहीं उसमें जमे। और जब मैंने इस तरह सीड इसको कलेक्ट किया और हार्वेस्ट करके मैंने 3 दिन के अंदर मैंने इसको ग्रो किया तो मेरा 100% उसमें रिजल्ट आया। और उस पर मैंने कल वीडियो भी डाला है, आप लोग वीडियो देखिएगा कि मेरा कितना अच्छा रिजल्ट रहा है। मेरे 100% था और बहुत अच्छी सीडलिंग मेरी तैयार हुई थी और कल मैंने उसकी रिपोर्टिंग भी की है। अब इसको मैं 3-4 दिन के अंदर इसको मैं हार्वेस्ट करके और फिर मैं इसको ग्रो करूंगी और उसको फिर मैं कैसे ग्रो करना है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी और उसको ज़रूर देखिएगा। और बाकी मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।